हेलो दोस्तों, दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम टॉपिक लेकर आए हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि हम जानते हैं पानी का प्रवाह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है, उसी तरह ऊष्मा का प्रवाह भी उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। अगर हम दैनिक जीवन में एक उदाहरण लें तो हमारे घर के अंदर रोटी सेकने वाला तवा, जिसको हम नीचे से गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद में जब वह काफ़ी देर तक गर्म हो जाता है तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि उसका जो हैंडल वाला भाग है वह भी गर्म हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। और उसी तरह करंट का प्रवाह भी हाई वोल्टेज से निम्न वोल्टेज की तरफ होता है, अर्थात विद्युत धारा का प्रवाह भी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। दोस्तों अगर हम विद्युत धारा की परिभाषा देखें तो इसकी परिभाषा है आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। वास्तव में जब हम विद्युत परिपथ की ओर देखते हैं और जब इसको बैटरी से जोड़ देते हैं तो हम देखते हैं कि प्लस सिरे से माइनस सिरे की ओर धनावेशों का प्रवाह होता है और माइनस सिरे से प्लस आवेश की ओर माइनस सिरे से प्लस सिरे की ओर ऋणावेशों का प्रवाह होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। लेकिन जो धनावेश का प्रवाह है उसी की दिशा विद्युत धारा की दिशा कहलाती है। अतः हम कह सकते हैं कि धनावेशों का प्रवाह ही विद्युत धारा है। दोस्तों विद्युत धारा का सूत्र है आवेश बटा समय, और इसको हम परिभाषित भी कर सकते हैं कि कोई विद्युत परिपथ है उसके किसी एक बिंदु से निश्चित समय टी के अंदर प्रवाहित आवेशों की संख्या विद्युत धारा कहलाती है। तो यहाँ पे सूत्र बन गया, फॉर्मूला बन गया, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, अर्थात टी समय के अंदर जितने आवेश एक निश्चित बिंदु से गुजरते हैं वही धारा के रूप में होती है। तो आई बराबर क्यू बटे टी, यहाँ क्यू है वह आवेश को प्रदर्शित करता है, टी समय को प्रदर्शित करता है और आई विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है। इस तरह हम कह सकते हैं क्यू बराबर एन ई अपॉन टी। यहाँ पे दोस्तों क्यू का आशय है कि एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले आवेशों की संख्या, तो यहाँ पे एन संख्या को प्रदर्शित करती है और ई आवेश के मान को दर्शाता है। यहाँ पर ई का मान होता है 1.6 इंटू 10^-19 कूलाम, यह इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। और जब इसको हम इलेक्ट्रॉन की संख्या अर्थात एन से गुणा कर देते हैं तो हमें क्यू अर्थात आवेश का मान प्राप्त हो जाता है। अब देखिए दोस्तों यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की जो यूनिट है, इकाई है, वो क्या है। जैसा कि हमें पता है विद्युत धारा का फॉर्मूला है आई बराबर क्यू अपॉन टी। तो यहाँ पर क्यू का जो क्यू की इकाई है वह है कूलाम और टी की इकाई होती है सेकेंड। अंतः विद्युत धारा की इकाई हो गया कूलाम बटे सेकंड, और जिसको अगर हम सम्मिलित रूप में बोले तो हम कह सकते हैं एम्पियर, अर्थात विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। कुछ इकाइयां और भी प्रयोग में ली जाती है जैसे 1 मिली एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर का आशय होता है 10^-3 एम्पियर, अर्थात यहाँ मिली से आशय है 10^-3, और इसी तरह माइक्रो से आशय होता है 10^-6 एम्पियर। तो इनमें दोस्तों आप इनको याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों 1 एम्पियर धारा किसे कहते हैं, इसको हम परिभाषित करते हैं। मान लीजिए कोई टी सेकंड, जिसको हम 1 सेकंड के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, 1 सेकंड के अंदर विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड के अंदर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उस परिपथ के अंदर धारा 1 एम्पियर धारा कहलाती है। अर्थात कोई विद्युत परिपथ है उसके किसी निश्चित बिंदु से 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड के अंदर प्रवाहित होता है तो उस परिपथ में धारा 1 एम्पियर धारा कहलाती है। दोस्तों विद्युत धारा का मापन करने के लिए परिपथ में अमीटर नामक एक उपकरण काम में लिया जाता है और यह परिपथ के अंदर श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो ये थी दोस्तों विद्युत धारा। अब एक हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन देखिए 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो।
तो जैसा कि हमें पता है ए कूलम्ब आवेश, आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, ए कूलम्ब को क्यू, क्यू इजिकल टू क्यू बराबर एन ई। और यहाँ पर ए कूलम्ब आवेश अर्थात क्यू का मान हमें दे दिया कि ए कूलम्ब है, और ई का मान जैसा कि हम जानते हैं 1.6 इंटू 10^-19 कूलम्ब। तो यहाँ पर हमें ई और क्यू के मान पता है और हमें यहाँ पर एन का मान पता करना है। तो फॉर्मूले के अंदर ई और क्यू के मान रखिए, आपको एन का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने रखा क्यू की जगह 1 और बराबर एन इंटू 1.6 इंटू 10^-19। इस तरह एन एक तरफ आ गया और इस 1 के नीचे 1.6 इंटू 10^-19 चला गया। और जब हम इसको आगे हल करते हैं तो हमें उत्तर प्राप्त हुआ 6.25 इंटू 10^18। तो दोस्तों ये थी विद्युत धारा और इससे संबंधित क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ इसे लाइक भी कीजिए और हो सके उतना ज़्यादा से शेयर भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।